दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनो ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। जैसे कि मैंने थंबनेल पर लगाया, आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि आपका जो YouTube एडसेंस अकाउंट है, यानी कि जो एडसेंस अकाउंट है उस पर आपका YouTube लिंक है, उस पर आपको एक मैसेज आया होगा, एरर मिला होगा, योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। तो ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं, जब देखिए आपका YouTube मोनिटेशन हो जाते हैं, आपका मोनिटेशन का जो कैटेगरी होता है 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर, ये पूरा हो जाने के बाद आप जो है गूगल एडसेंस पर आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट बहुत सारे आपको देना पड़ता है और आपका जो भी फुल डिटेल्स है वो डालना पड़ता है। उसके बाद में आपको वहाँ पे डॉलर जो है इनकम होना शुरू हो जाता है। तो जब डॉलर इनकम होना शुरू होता है तो आपका YouTube का जो YT स्टूडियो है वहाँ पे पहले डॉलर आता है, उसके बाद यहाँ से कट होके आपके YouTube से कट होके जो गूगल एडसेंस से वहाँ पर आपके पैसा जाता है और महीने बाद वहाँ से आपको मिलता है। तो आप जो है आपका जो एडसेंस है गूगल एडसेंस पर ये मैसेज आया होगा कि ये प्रॉब्लम है कि आपका पेमेंट होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है, दो कारण से आता है, मैं आपको दो कारण आज बताऊंगा। जो दो कारण से आपका ये प्रॉब्लम आता है, पहला तो कि आप जब एडसेंस पर अकाउंट खोलते हो आप वहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स डालते हो, अगर डिटेल्स में मिसमैच होता है तो आपको ऐसा दिखाया जाता है कि योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड और यहाँ पे बटन एक आता है एक्शन बोल के, तो आप जब एक्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जो है दोबारा आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर उस वजह से नहीं आता, सेकेंड जो आता है आपका जब डॉलर अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, जबकि आपका $10 आपका बन जाता है, $10 बनने के बाद आपके पैसा जो है $10 यूट्यूब स्टूडियो से काट के आपके जो गूगल एडसेंस है वहाँ पे आते हैं और गूगल के तरफ से आपके पास एक पिन कोड भेजा जाता है, गूगल पिन, जो बाय पोस्ट आपके घर आते हैं। तो जब तक आपका बाय पोस्ट वाला पिन कोड नहीं आता तब तक ये जो है होल्ड कर दिया जाता है, कभी कभार ये होल्ड होता है। तो पिन कोड आने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा, पिन कोड डाल के ये जो है आगे का प्रोसेस जाएगा। तो आज जो है यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे अगर क्लिक करके दिखाऊं तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। एक्शन बटन आपको यहाँ पे एक देखने के लिए मिल रहा है कि एक्शन बटन, तो एक्शन बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे खुल जाएगा और यहाँ पे बताया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन जो है वो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन कम्प्लीट है और एड्रेस वेरीफिकेशन अभी तक नीट है, यानी कि यहाँ पे जैसे दिखा रहा है 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड। तो ये जो है पोस्ट ऑफिस में 6 डिजिट वाला आपका जो पिन है गूगल पिन वो आएगा। जैसे कि इससे पहले मेरे को मेल मिल गया कि मेरे पास भी गूगल के यूट्यूब के तरफ से पिन कोड भेज दिया गया है और आज सवेरे मैंने पोस्टमैन को फ़ोन किया था कि मेरा कुछ पार्सल आया क्या, तो उन्होंने बताया कि आपका एक पार्सल आया। तो मेरे पास मेरा गूगल पिन भी आ चुका है, आने वाला है, अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया। जब रिसीव करता हूँ, रिसीव करने के बाद आपको दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको पिन कोड डाल के कंटिन्यू करना है और आपका पिन वेरिफिकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन जो है आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि आपको दिखाना था कि आप ना घबराए आप कि आपका यहाँ पे गूगल एडसेंस पर कुछ पेमेंट को होल्ड कर दिया गया, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। ये जो है सिर्फ आपका वेरिफिकेशन जब होगा ये जो प्रॉब्लम है ये आपका दूर हो जाएगा, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा होता ही है। तो आप तब तक वेट कीजिए, आपका जब आप गूगल पिन आपको नहीं मिलता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। गूगल पिन मिलने के बाद आप सबमिट कीजिए, सबमिट करने के बाद ये जो है एक्शन वाला जो लिखा हुआ है आपका ये दूर हो जाएगा, यू आर पेमेंट आर ऑन होल्ड, ये दूर हो जाएगा, जो होल्ड है वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मेरे को अगर पिन कोड मिल जाता है मिलने के बाद कैसे मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से जानकारी मिला और आप अगर कोई टेंशन में था, अगर आपका टेंशन क्लियर हो गया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।